पटना में केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव के काफिले की ओर एक कार की एक बाइक से टक्कर हो गई है। इस हादसे में 18 साल के बाइक सवार राहुल की मौत हो गई है, जबकि 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं। घायलों को नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। मंत्री ने हादसे को दुखद बताते हुए मृतक के परिजन के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। कोई घटना नहीं घटी है, आप ही के स्कॉट में थी होगा? हाँ, स्कॉट से घटी है बिल्कुल। लड़का मर रहा था, उसको जाते नहीं, मैं वहां रुका, लोगों को निकाला, उस लड़के को देखा हमने और बैठ करके निकाल करके छौका छंजट था, खून बह रहे थे, बेहोश हो गया था। मैं उसको लेके एनएमसीएच गया, 2 घंटे तक उसको मैंने देख करके उसके ठीक ठाक करवाया। मॉर्निंग में ही मैं चला गया पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम नहीं हो सका था, ये लापरवाही थी। ये संवेदनहीन सरकार विशेष व्यवस्था करके उस पोस्टमार्टम कराना था, रात भर रोता रहा है उसका परिवार, कोई देखने वाला नहीं था। मैं अकेले सिंपल गया, वहां से गया, उसके परिवार से मिला, मुझे तकलीफ है, बच्चा हमारा था, गरीब बच्चा था, हर तरह की मदद मैंने की उसको।